अलीगढ़ जिले के देहली गेट थाने पर गेट पर देर रात सिपाही के हाथ से दंगा नियंत्रक रिपीटर बंदूक लोड करके चेक करते समय बंदूक चल गई। इस दौरान छर्रे लगने से तीन राहगीर जख्मी हो गए। हालांकि तीनों मामूली रूप से जख्मी हुए हैं, मगर मौके पर भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानंद में तीनों को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज किया जा रहा था। खबर पर एसएसपी ने सिपाही को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर करते हुए सीओ को जांच सौंपी है। जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर के हमराज सिपाही के रूप में नाइट शिफ्ट में सिपाही अंकित की ड्यूटी रहती थी। देर रात करीब 10 बजे उसने ड्यूटी पर आमद कराई और डे शिफ्ट के सिपाही से दंगा नियंत्रक रिपीटर बंदूक भी रिसीव कर ली थी। इसके बाद थाने के बाहर सड़क पर आकर वह उसे लोड कर जमीन की ओर नाल करके चेक कर रहा था, तभी अचानक फायर खुल गया और सड़क से छर्रे टकराकर इधर उधर से गुजर रहे दहली गेट के ही चिराग, सुमित और देव के हाथ, पैर और पेट के हिस्सों में लग गए। इस मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में सिपाही को थाने में बैठाकर उससे बंदूक जब्त कर ली गई है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। तीनों घायलों को खतरे से बाहर बताया गया है। खबर पर सीओ प्रथम राघवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए। एक पुलिसकर्मी से दंगा निरोधक बना था, उससे जमीन पे लगी, उसके रिपोर्टेड होकर कुछ कांच के टुकड़े वगैरह उसको लगे, बाकी कोई किसी को गंभीर चोट इस तरह की नहीं है। सब लोग इलाज के बाद घर पे पहुंचे। कितने लोग घायल हुए? अभी तीन लोगों के लिए बताया गया। बहुत ही मामूली स्किन पे चोट आई है, सारे लोग घर पे पहुंच गए हैं और इसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है कि किस परिस्थिति में ये असावधानी बस कैसे। परिवार की क्या मांग जांच रही है इसमें? उनकी यही मांग है कि किस तरह से ये असावधानी बस चल गया, उसकी जांच करवाई जाए, वो जांच करवाई। घटना कहाँ की रही सर? ये दिल्ली गेट चौराहे की। कुछ इसमें भी अभी इसकी जाँच मैं कर रहा हूँ, इसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है, कार्रवाई करवाई जाएगी। नहीं, जानकारी मिली थी कि किसी पुलिसकर्मी की असावधानी के चलते चार बच्चों के देहली गेट क्षेत्र में चौराहे के आसपास छर्रे लगे हैं, जिनकी यहाँ जांच हुई और उसका डॉक्टरी मुआयना उनका हुआ। संबंधित पुलिसकर्मी की इस गलती के लिए उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और ये विभागीय कार्रवाई में उसको लेके सस्पेंड करने की बात अभी यहाँ हुई है। क्या परिवार वाले कोई तहरीर वगैरह दे रहे हैं? नहीं, परिवार वाले तहरीर दे रहे, परिवार वाले कार्रवाई चाहते हैं, बस उसमें सस्पेंशन चाहते हैं। घटना किस प्रकार हुई है? एक्सीडेंट है या जानबूझ लगी है? लापरवाही क्या? तो देखिए, सुनने में आया है कि ये घटना जो घटित हुई है शायद कोई पुलिस वाले से हुड़का वो हुआ है कुछ, तो उससे वो बच्चों के छर्रे लगे हैं। मैं बता दूं, लेकिन हाँ ये है कि बच्चों की जो भी है, ईश्वर उनकी लंबी उम्र करे, हमारी भी उम्र बच्चों को लग जाए, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। ये गोली जानबूझ लगी गई, अस्मा चल गई? नहीं, जानबूझ के तो ऐसा कोई नहीं, जानबूझ के क्या कोई अपने आप को खतरे में थोड़ी डालेगा। सरकारी सर्विसमैन है वो, तो सरकारी सर्विसमैन जानबूझ के थोड़ी इस तरीके की हरकतें करेगा। अच्छा, कितने बच्चों को लगी है? चार बच्चे। एक एक्सीडेंट खाली हुआ है? हाँ, ये अचानक का हादसा है, इसे हादसा कह सकते हैं। तो अब बहन जी, क्या इन लोगों की डिमांड है, क्या लोग चाहते हैं आपके? जो नहीं, कुछ नहीं है, अभी क्या चाहते हो जाएगा, अभी समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी समय बताएगा। कहाँ के रहने वाले बच्चे? बच्चे हमारे दिल्ली गेट के ही है सब। यानी खाली एक एक्सीडेंट है, घटना? हाँ, ये जी अचानक की ये घटना है, जानबूझ की घटना में कुछ भी हो सकता था। हाँ, ये है कि हो सकता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवता। कहाँ रहते हैं आप? तो ये हुआ क्या है आपको? ये हम बस सड़क पर ढोल रहे थे, बस घर ही जा रहे थे। उस वक्त ना पुलिस वाले ने शॉट गन जैसी थी बड़ी थी, उन्होंने सीधा जमीन में मार दी और हम वहीं खड़े हो गए पुलिस के पास। सरकारी पिस्टल अपने आप चलना बहुत बड़ी गैर वाली बात है। घायल हुआ? कितने लोग घायल हुए आप? सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।